रहे थे कहाँ पे, बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पारामेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान के मतलब ही होता है कि वैसा सब्जेक्ट जिसमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का क्या किया था, अध्ययन किया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविनस ने किया था। ये ट्रेविनस जो है आपका जर्मनी का रहने वाला है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, अरस्तु को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थियोफेस्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जो पिता है आपका थियोफेस्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीव विज्ञान जीव जंतु और वातावरण के बीच के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान जीव जंतु और वातावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। डॉक्टर एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। इसको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को कहते हैं। किसको कहते हैं, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल को कहते हैं। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को कहते हैं। किसको, टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को कहते हैं। मेंडल को अनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल को अनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। लुवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। लुवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। हरित क्रांति का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने जीवधारियों को दो भागों में बांटा था। पहला आपका है प्लांट किंगडम, दूसरा आपका एनिमल किंगडम। विटिकर ने 1969 ईस्वी में जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था। किसने, विटिकर ने। देखिए भाई, लिनियस ने दो भागों में वर्गीकृत किया था आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, लेकिन विटिकर ने आपको 5 जगत का वर्गीकरण किया था। फर्स्ट आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु में वर्गीकृत किया था। अगला देखिए यहाँ पे, मोनेरा का उदाहरण, मोनेरा जो आपका आता है जीवाणु साइनोबैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया तथा तंतुमय जीवाणु आदि आते हैं इसमें अंतर्गत। प्रोसिस्टा के उदाहरण है आपका युगलिना और प्रोटोजोआ। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन सा आता है आपका, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया तथा तंतुमय जीवाणु आदि। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है आपका युगलिना और प्रोटोजोआ आदि। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, युगलिना को पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। जो युगलिना आपका है वो किस क्या बोलते हैं, जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। पादप के उदाहरण शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अस्पुष्पीय बीजीय पौधे हैं। पादप जो आपका शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे आदि हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटेन की। जंतु के उदाहरण जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, सितार मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तन
भारी क्या सर क्या आपका जीव है? कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया। अब देखिए यहाँ पर कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में क्या किया, जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया आपका। चलिए अगला देखिए यहाँ पे द्विनाम पद्धति के अनुसार पहला शब्द वंश आता है। जब द्विनाम पद्धति हम लोग देखते हैं तो पहला जो शब्द आता है वंश का, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, तब दूसरा शब्द आपका आता है जाति नाम से, स्पेसीज जिसको बोलते हैं। नवजात शिशु का अध्ययन नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। जो नवजात शिशु होता है इसको क्या बोलता है, नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। बुढ़ापे का अध्ययन जेरोनोटेरोनोटेक्नोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अंडों का अध्ययन ऑलोलॉजी कहलाता है। और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है आपका। आँखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। शरीर के बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे शरीर को कोई भी बाहरी संरचना है तो उसको अध्ययन करेंगे हम लोग तो क्या कहलाएगा आपका, मॉर्फोलॉजी। शरीर की आंतरिक संरचना, शरीर के अंदर के जितना भी आपका संरचना है उसका जब अध्ययन करते हैं एंटामोलॉजी कहलाता है। बाल का अध्ययन एडोलॉजी कहलाता है आपका। शरीर के अंग के कार का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है आपका। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जब शैवाल का हम लोग अध्ययन करते हैं, किसी के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं, वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है आपका। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोनोलॉजी कहलाता है आपका। कीटों का अध्ययन एंटामोलॉजी कहलाता है आपका। जाँच द्वारा रोग का पता लगाने का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। जैसे कोई भी चीज़ जात फनून चेक करवाते हैं तो क्या कहलाता है, पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। इकोलॉजी के अंतर्गत परिस्थिति अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार के अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नेक्स्ट देखें हम लोग, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखें कोशिकाओं में जीन, जो कोशिका होती है आपकी उसमें जीन होता है आपका, आरएनए एवं प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का यूजेनिक्स कहलाता है आपका। जीव विज्ञान का 99% भार ऑक्सीजन होता है इसमें। जीव द्रव का 99% भार ऑक्सीजन, देखिए आप 99% होता है आपका ऑक्सीजन, इसमें 63% कार्बन, 20% हाइड्रोजन, 10% नाइट्रोजन, 2.5% कैल्शियम, 2.5% फॉस्फोरस, 1.5% और अन्य 0.85%। जीव द्रव्य का 90% भाग जल होता है। किसी भी जीव में जो 90% क्या होता है, जल पाया जाता है उसमें। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात, कार्बनिक एवं कार्बनिक को क्या होता है, कितना अनुपात होता है, 81.19 होता है आपका। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य जो है उसका नाम किसने किया था, पुरकिंजे ने। एक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है आपका। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट हुक जो है आपका सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। कब किया था आपका, 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिक नामक जीवाणु है आपका। चलिए देखिए यहाँ पे, अब ये पार्ट नंबर 2 में आगे हम लोग देखेंगे।